व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं कि आप हैदिया से होंगे। आज हम जिस मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जी हाँ, एक्सॉल्व के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये एक जेल है, क्लिंडामाइसिन फास्फेट जेल है, USP 1% जो है ना इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जबकि इसको बनाने वाली कंपनी जो है वो एटको है। तो मज़ीद अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो बहुत इकोनॉमिकल है, ये तकरीबन 146 रुपीज़ की ये मेडिसिन है। तो इसको हम देखते हैं कि कौन सी सिचुएशंस हैं जिन सिचुएशन में डॉक्टर्स या स्किन स्पेशलिस्ट इसको यूज़ करवाते हैं। स्किन स्पेशलिस्ट इसको आमतौर पे जो है ना एक्नी की सूरत में यूज़ करवाते हैं। वैसे तो एक्नी की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन इसको एक्नी वुलगैरिस में डॉक्टर जो है ना रिकमेंड करते हैं। इसको यूज़ करने के तरीके के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको जो है ना इसकी जो है ना ट्यूब के बारे में बताते हैं कि ये किस तरह की होती है। जी हाँ, ये जो एक्सॉल क्रीम है 10 ग्राम की ये पैकिंग में आती है। तो इसको आप जो है ना यूज़ कैसे कर सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। इसको आमतौर पे जो है ना रात के वक्त यूज़ किया जाता है, जहाँ भी आपको एक्नी के दाने बने हुए हैं उसके ऊपर आप इसको लगाएँ। तो इसका ट्रीटमेंट जो है ना वेरी करता है कि आपको किस तरह का प्रॉब्लम है, कितना प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से इसका ड्यूरेशन बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसको आपने सिर्फ रात के वक्त ही यूज़ करना है। तो साल में मज़ीद मेडिसन होते हैं जो कि एक्नी के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसे सुबह के वक्त जो है ना वो सन ब्लॉक यूज़ करना होता है, जबकि रात के वक्त इसको एक्सॉल को यूज़ करना होता है। तो जब एक्नी स्कार्स, जब एक्नी के दाने ख़त्म हो जाएं तो उसके बाद जो है ना स्कार्स बन जाते हैं, वहाँ पर निशान बन जाते हैं, जिसको ख़त्म करने के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट इस्तेमाल किया जाता है। उसकी वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल में मौजूद हैं, वो भी आप सेपरेटली देख सकते हैं। इस मेडिसिन के मतलब कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। व्यूअर्स, इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अली उस्मान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें, ताकि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड हो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए।